हिंदू समाज के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की, एफआईआर दर्ज नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो वहीं आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा हिंदू समाज को हिंसक बताकर संसद में दिए बयान पर पूरे देश में हिंदू समाज आक्रोशित है। उसी को लेकर कुक्षी विधानसभा के सकल हिंदू समाज ने विरोध जताकर कुक्षी थाने पहुंचकर थाना प्रभारी राजेश यादव को ज्ञापन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में संसद में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने हिंदू समाज को घसीटा है। जिस भारतवर्ष का मूल धर्म, मूल मर्म हिंदू है, उस हिंदू को उन्होंने हिंसक कहा है, हिंसा करने वाला कहा है। इसको लेकर कुक्षी के हिंदू समाज ने आक्रोश प्रकट किया है और राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का मांग लेकर हमने एक छोटे स्वरूप में रैली निकाल कर, अभी हमने विराट स्वरूप नहीं दिया है, छोटे स्वरूप में रैली निकाल कर कुक्षी के थाना प्रभारी जी को आवेदन दिया है कि राहुल गांधी के इस तथा कथित बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आपराधिक प्रकरण कायम कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, आज सकल हिंदू समाज के द्वारा राहुल गांधी जो कि संसद में उनके द्वारा हिंदुत्व को लेकर कुछ बयान दिए गए उसके खिलाफ आज यहां पर सकल हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया है, सर आगामी कार्रवाई पुलिस के द्वारा क्या की जाए? जी, ये सकल हिंदू समाज के जो कुशीनगर के भाई लोग हैं, ये आए थे थाने पर, इन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के इसमें जो भी विधिवत कार्रवाई है शीघ्र अति शीघ्र करी जाएगी।